अगर आप पीआरटी टीचर की तैयारी कर रहे थे तो आप सभी के लिए गुड न्यूज आ चुकी है। बीपीएससी की तरफ से पीआरटी टीचर का जो नोटिफिकेशन है जारी कर दिया गया है, इसमें हम एलिजिबिलिटी, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न सबके बारे में बात करने वाले हैं और कब से कब तक आप लोग अप्लाई यहां पर कर सकते हैं। अगर आपने अपना कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर लिया था, फेस पेमेंट कर लिया था, तो आप कैसे यहां पर पीआरटी टीचर के अप्लाई करेंगे, जो नोटिस आई है उसके माध्यम से पूरी जानकारी आप सभी को यहां पर देने वाले हैं और लास्ट डेट आपकी यहां पर बढ़ा दी गई। आइए इस वीडियो को शुरू करें, उससे पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी सूचना है, पहले आप इसको समझ। अगर आप बिहार से भर्ती फेस टू की तैयारी कर रहे हैं जिसमें पीआरटी जूनियर टीचर साथ ही साथ टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी है, तो आप सभी के लिए गुड न्यूज है। आपकी हेल्प के लिए एमबी टीचिंग पॉइंट की तरफ से जो नोट्स हैं वो लॉन्च कर दिए गए हैं, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पीआरटी टीचर की अगर हम बात करते हैं, 280 पेज के नोट्स हैं, एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी बेस्ड है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी इसमें दे दिया गया है और कंप्लीट ये किट रहने वाली है पीआरटी टीचर के लिए। आपको कोई भी अलग से बुक्स या नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर नोट्स मात्र 199 में दिया जा रहा है, जिससे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कैसे खरीदना आगे आप वीडियो में समझ लीजिएगा। यहाँ पर अगर बात करें जूनियर टीचर की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके भी कंप्लीट एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी जो किताबों का निचोड़ पीडीएफ है उसे यहाँ पर दिया जा रहा है मात्र 199 में। कक्षा 1 से 12 तक की सभी किताबों का निचोड़ पीडीएफ यहाँ पर रहने वाला है। दोनों नोट्स यहाँ पर अलग अलग हैं, इसलिए अगर आप पीआरटी तैयारी करना चाहते हैं तो पीआरटी नोट्स परचेज करिएगा। अगर आप जूनियर टीचर की तैयारी करना चाहते हैं तो जूनियर टीचर की नोट्स यहाँ पर परचेज करिएगा। जूनियर टीचर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एसएसटी टीचर की नोट्स हैं, साइंस एंड मैथ्स टीचर की नोट्स हैं और हिंदी लैंग्वेज टीचर की नोट्स यहाँ पर जूनियर टीचर के लिए मिल जाएंगी। ये आप नोट्स का डेमो वगैरह यहाँ पर अच्छे तरीके से देख सकते हैं और ये नोट्स का डेमो मैं आपको दिखा रहा हूँ, साथ ही साथ नोट्स का फीडबैक भी आप यहाँ पर अच्छे तरीके से देख सकते हैं। अगर आपको ये नोट्स खरीदना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, जहाँ पर ऑनलाइन बाई करने का लिंक दिया गया है। आप ऑटोमेटिक 199 का पेमेंट किसी भी तरीके से नोट्स को जो है पेमेंट करते हुए नोट्स को खरीद सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आती है तो जो व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर दिया गया है 94-55-28-27-93, इस पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको नोट्स तुरंत मिल जाएगा। अच्छी तैयारी के लिए आप नोट्स जरूर परचेज करें। जैसा कि आपने नोट्स के बारे में समझ लिया, दोनों नोट्स अलग अलग हैं, अलग अलग सिलेबस है, इसलिए आप अलग अलग नोट्स परचेज करिएगा अगर आप तैयारी करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए नोटिस जारी की गई है और आप सभी को पता है कि साइट इसकी नहीं चल रही थी, हमने इसके बारे में अलग अलग कई वीडियो अपलोड किया था और आप सभी को इसमें जानकारी दिया था कि आपकी जो साइट है वो नहीं चल रही है, डेट यहाँ पर बढ़ सकती है। इसके अलावा यहाँ पर पीआरटी एग्जाम डेट को लेकर के हमने इस वीडियो में बात किया था, साथ ही साथ यहाँ पर हमने ये बताया था कि फार्म की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पर बढ़ने वाली है और नोटिस आप सभी को यहाँ पर देखने को मिलेगी। और हमने ये भी बताया था पीआरटी फार्म आज से भरें, लेकिन नोटिस यहाँ पर जारी हो चुकी है। इसलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहेगा और आप आराम से वीडियो देखते रहेंगे। यहाँ पर देखिए सारी जानकारी बताई गई है और जो 50,263 रिक्तियाँ और सम्मिलित की गई थी, टोटल 122,000 पदों पर आपकी शिक्षक भर्ती हो रही है। आज 14 नवंबर है और आज इसकी लास्ट डेट थी, लेकिन यहाँ पर साइट नहीं चल रही थी, इस वजह से 17 नवंबर तक जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करने की उसे यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। इसमें 17 नवंबर तक आप जो रजिस्ट्रेशन करेंगे वो जूनियर टीचर के लिए होगा, टीजीटी और पीजीटी के लिए यहाँ पर होगा। जो लेट फीस के साथ 17 नवंबर तक आपको रजिस्ट्रेशन करना था, लेट फीस को हटा लिया गया है और 17 नवंबर तक जो रजिस्ट्रेशन करने की डेट है उसे यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया गया है। तो यहाँ पर गुड न्यूज़ रहने वाली है, आप लोग रात में आराम से फॉर्म भरिएगा, शायद आपका फॉर्म भर जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। बाकी फॉर्म जो कंप्लीट करने की डेट है, यानी पेमेंट कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 17 नवंबर तक, और बाकी फॉर्म जो आप लोग कंप्लीट करेंगे जूनियर टीचर वाला, टीजीटी वाला और पीजीटी वाला, ये 25 नवंबर 2023 तक ही कंप्लीट कर सकते हैं, जो पहले की डेट यहां पर बताई गई थी। इसके बाद अब देखिए यहां पर लिखा गया है वर्ग 1 से 5 के लिए, यहां पर लिखा गया है कि आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फीस का पेमेंट कर सकते हैं और ऑनलाइन अपना फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं 16 नवंबर से लेकर के 25 नवंबर 2023 तक। तो कुल मिलाकर के 16 नवंबर से लेकर के 25 नवंबर तक आपको जो अपना फॉर्म है पीआरटी वाला उसे यहां पर भर लेना है। 16 नवंबर के डेट में जैसे ही फॉर्म भरा जाना शुरू होगा, हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे, आप उसी तरीके से फॉर्म भरिएगा जिस तरीके से मैं आपको फॉर्म भर करके यहां पर दिखाऊंगा। अब देखिए यहां पर कई पॉइंट फंसे हुए हैं, उनके बारे में यहां पर बात कर लेते हैं। देखिए यहां पर लिखा गया है फर्स्ट पॉइंट में, वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा विज्ञापन संख्या 26/2023 शिक्षा विभाग के बिहार के अंतर्गत वर्ग 1 से 5 विद्यालय अध्यापक के रिक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, वे नए सिरे से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। तो अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, अगर आप रजिस्ट्रेशन आप करेंगे तो इसके लिए आपको कंप्लीट ऑनलाइन करना होगा। यहाँ पर फिर देखिए लिखा गया, वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा विज्ञापन संख्या 27/2023 शिक्षा विभाग बिहार पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, देखिए कहा गया है अगर आपने अभी तक कोई भी फॉर्म भरा ही नहीं था, अगर आपने इससे पहले पीआरटी वाला फॉर्म भरा था
तो दिक्कत यहाँ पर नहीं है। लेकिन अगर आपने पीआरटी वाला फॉर्म नहीं भरा था तो आपको कंप्लीट शुरुआत से लेकर के आखिरी तक आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब देखिए यहाँ पर फिर कहा गया है, वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा विज्ञापन संख्या 2726/2023 विज्ञापन संख्या थी वो पहले वाली थी, जो पीआरटी वाली भर्ती कंप्लीट हो रही है 27 ये वाली है जो आपकी चल रही है। इसमें फिर कहा गया 27/2023 शिक्षा विभाग बिहार द्वारा, पिछड़ा वर्ग पिछड़ा कल्याण विभाग द्वारा, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत पूर्व में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है और वो वर्ग 1-5 विद्यालय अध्यापक के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो उनके द्वारा पूर्व से प्राप्त यूजर नेम एंड पासवर्ड से लॉग इन कर डैशबोर्ड पर वर्ग 1-5 विद्यालय अध्यापक संबंधित लिंक पर क्लिक करते हुए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। इसमें कहा गया अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है जूनियर टीचर के लिए, जो जूनियर टीचर की एक सामान्य विद्यालय के लिए वैकेंसी है, एक है जो है वो आपकी पिछड़ा वर्ग वाली वैकेंसी है, अगर आपने उसके लिए अपना आवेदन कर लिया है या डीजीटी और पीजीटी के लिए कर लिया और आप अगर एलिजिबल हैं पीआरटी के लिए, तो आप यहाँ पर जो है जैसे ही लॉग इन करेंगे डैशबोर्ड पर आपको एक लिंक दिख जाएगा ऑनलाइन पीआरटी फॉर्म कंप्लीट करने के लिए, उस पर क्लिक करिएगा और अपना फॉर्म वहाँ से आप कंप्लीट कर लीजिएगा 16 नवंबर से लेकर 25 नवंबर के बीच। जानकारी आप समझ चुके हैं, मतलब अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, फीस पेमेंट कर दिया है, कंप्लीट फॉर्म कर लिया है, जैसे ही आप लॉग इन करेंगे आपको एक लिंक दिखाई पड़ जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करिएगा, वो पीआरटी वाला लिंक होगा और आप वहीं से आप फॉर्म को कंप्लीट कर लीजिएगा, दोबारा से आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर देखिए कहा गया, वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पूर्व में किसी भी वर्ग के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं किया गया था और वे वर्ग कक्षा 1-5 के साथ साथ अन्य वर्गों के लिए भी आवेदन करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम कक्षा 1-5 को छोड़ करके अन्य वर्गों के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे, परीक्षा शुल्क का भुगतान करेंगे, अंतिम रूप से ऑनलाइन आवेदन को प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे, रजिस्ट्रेशन के उपरांत उपलब्ध कराए गए यूजर नेम और पासवर्ड से लॉग इन कर डैशबोर्ड पर कक्षा 1-5 तक विद्यालय से संबंधित लिंक पर क्लिक करते हुए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। ये कहा गया है कि अगर आपने अभी तक ना तो रजिस्ट्रेशन किया है, ना ही फीस पेमेंट किया है, कुछ भी नहीं किया है और अब आप अगर रजिस्ट्रेशन करने चाह रहे हैं तो आपको कक्षा 1-5 का रजिस्ट्रेशन अभी भी आपको नहीं करना है। सबसे पहले आपको करना क्या है, आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे शुरुआत से लेकर के आखिरी तक, तो सबसे पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे जिसमें आपको जूनियर टीचर की वैकेंसी देखने को मिलेगी, टीजीटी और पीजीटी की देखने को मिलेगी, इसको आप जो है रजिस्ट्रेशन इसका करना है। इसके बाद इसकी फ़ीस जमा कर देनी है, इसके बाद फीस जमा करने के बाद आपको कंप्लीट अपना फॉर्म भर लेना है, फिर से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन जब आप करेंगे तो तुरंत आपको कक्षा 1-5 वाला जो लिंक होगा वो यहाँ पर दिखाई पड़ जाएगा। कुल मिलाकर के जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है, फीस पेमेंट कर दिया है, सारी चीज़ें कर लिया है, उसके बाद आप जैसे लॉगिन करेंगे आपको कक्षा 1-5 वाला जो लिंक होगा वो दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा और आप वहीं से फॉर्म भर लीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है रजिस्ट्रेशन या फीस पेमेंट कुछ भी नहीं किया है, वो सबसे पहले जो है टीजीटी पीजीटी 6th 12th जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई करेंगे और फिर यहाँ पर कक्षा 1-5 वाला लिंक आपको दिखाई पड़ जाएगा। और जो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी के लिए ही एलिजिबल हैं, पीआरटी वाला ही फॉर्म भरना चाहते हैं, तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे ठीक है, तुरंत आपको जो है वहाँ पर अपना फॉर्म दिख जाएगा, वहाँ से आप अपना फॉर्म भर लीजिएगा। अगर आपने 26/2023 वाला फॉर्म भरा हुआ था, कुल मिलाकर के मतलब आप ये समझ लीजिए अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं, पहले से आपने अगर पेपर दिया था पीआरटी वाला इससे पहले, तो आप उसी यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करिएगा और आपको तुरंत वहाँ पर जो है आपके लिए लिंक दिख जाएगा और वहाँ से जो है आप अपना फॉर्म कंप्लीट कर लीजिएगा। और अगर आपने इससे पहले पीआरटी वाली वैकेंसी के लिए फॉर्म नहीं भरा था, टीजीटी पीजीटी के लिए फॉर्म नहीं भरा था फर्स्ट फेज वाली, तो आपको नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन करेंगे आपको 4-5 वाली वैकेंसी मिल जाएगी, तो किसी भी तरीके से आप रजिस्ट्रेशन करिएगा, 16 तारीख से लेकर के 25 तारीख आप आराम से यहाँ पर जो है फीस का पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी और अपना फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। फिर से समझ लीजिए, मैं आपको समराइज कर दूँ, अगर आपने पीआरटी वाली फेज फर्स्ट की जो भर्ती है उसमें आपने अगर रजिस्ट्रेशन अपना किया हुआ था इससे पहले 26/2023 वाले नोटिफिकेशन में, तो आपको सिर्फ लॉगिन कर लेना है उसी यूजर आईडी पासवर्ड से और आपके सामने लिंक मिल जाएगा, आप वहां से अप्लाई कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपने अभी जो फेज टू की भर्ती चल रही है उसमें अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं जूनियर टीचर या टीजीटी पीजीटी के लिए, या फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं टीजीटी पीजीटी या जूनियर टीचर के लिए, तो आपको अब इसी यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना है। सबसे पहले जूनियर टीचर टीजीटी पीजीटी जो फॉर्म भर रहे थे उसको कंप्लीट कर लेना है, फिर से आप जब लॉगिन करेंगे कंप्लीट करने के बाद, तो आपको यहाँ पर पीआरटी वाला लिंक दिख जाएगा कक्षा 1-5 वाला, और उसके थ्रू आप लॉगिन कर लीजिएगा और कंप्लीट फॉर्म कर लीजिएगा। जानकारी समझ में आ चुकी होगी, अगर कोई दिक्कत है तो जब मैं फॉर्म भरने वाला वीडियो बनाऊंगा वहाँ से जानकारी यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। बाकी इसका सिलेबस में चेंजिंग होगी, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया है, इसमें लैंग्वेज वाला जो पेपर होगा वो हटा दिया जाएगा। लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन जिस तरीके से यहाँ पर दिए जा रहे हैं जूनियर टीचर में, उसी तरीके से सेम सिलेबस यहाँ पर रहने वाला है, 150% का अब सिलेबस यहाँ पर रहेगा।
ठीक है, जिसमें 120 प्रश्न आपके रहेंगे जो सिलेबस दिया गया है उससे, प्लस 30 प्रश्न आपकी भाषा से रहेंगे, तो 150 प्रश्न आएंगे। ढाई घंटे का पेपर यहाँ पर हो जाएगा पीआरटी वाला, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर कोई होगी नहीं, और चार ऑप्शन यहाँ पर दिए जाएंगे, और पेपर का लेवल इजी यहाँ पर इस बार रहने वाला है पिछली बार की अपेक्षा, लेकिन फाइट बहुत तगड़ी होगी। 4 से 5 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, 1088 सीट है ओपन कैटेगरी के लिए, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो सारी जानकारी मैंने यहाँ पर बता दी, अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो फिर से कमेंट करिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा या फिर वीडियो के माध्यम से जानकारी बता दूंगा। आप ढेर सारा कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को, जितने भी कन्फ्यूजन है कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं एक ही साथ वीडियो में आकर के सारी जानकारी यहाँ पर बता दूँ। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। और हाँ, अच्छी तैयारी के लिए नोट्स जरूर परचेज करिएगा, हमने नोट्स को बहुत सही तरीके से बनवा दिया है, जो भी कमियाँ थी उनको दूर कर दिया है, तो आप नोट्स परचेज कर लीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन करिएगा, लिंक दिया गया है। यहाँ पर छूट रही थी, अपेयरिंग वालों को मौका ना तो दिया गया है ना ही दिया जाएगा, ना तो सीटेट, ना तो डीएलएड, ना तो यहाँ पर बीएड अपेयरिंग को। तो जो भी साथी सीटेट का फर्स्ट क्वालिफाई कर चुके हैं वही इसमें फॉर्म भर सकते हैं इस पीआरटी वाली वैकेंसी के लिए। अपेयरिंग वालों को मौका यहाँ पर अभी नहीं दिया गया है, अगर दिया जाएगा तो बाद में आपको बता दिया जाएगा। जैसे सीटेट का अगर सेकंड पेपर आपके पास क्वालिफाई है तो आप जूनियर टीचर वाला फॉर्म भर सकते हैं, उसकी एलिजिबिलिटी वगैरह सब कुछ पता होगा, क्योंकि हमने कई बार वीडियो बना दिया है, बताया भी है। पीआरटी में आपका सीडेट का फर्स्ट पेपर यहाँ पर क्वालिफाई होना चाहिए, और पीआरटी में सिर्फ और सिर्फ जो डीएलएड वाले स्टूडेंट है वही यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बीटीसी वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपने इंटर के बाद बीटीसी किया हो, चाहे आपने ग्रेजुएशन के बाद बीटीसी किया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सीडेट का फर्स्ट पेपर आपके पास क्वालिफाई होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर अपेयरिंग वालों को कोई मौका नहीं दिया गया है, पीआरटी में भी नहीं दिया गया, ना तो अन्य भर्तियों में दिया ही गया है। साथ ही साथ अगर हम बात यहाँ पर करेंगे, महिलाओं के लिए मात्र 82 अंक चाहिए सीटेट के पेपर फर्स्ट में या सीटेट के सेकंड पेपर में, अगर आप जूनियर की अप्लाई करना चाहते हैं तो। बाकी जितने भी पुरुष हैं उनको 90 अंक यहाँ पर चाहिए, मैं अदर स्टेट की बात यहाँ पर कर रहा हूँ। जानकारी समझ में आ चुकी होगी, कोई डाउट है फिर कमेंट करिएगा। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।